चित्तौड़गढ़ में महिला कांग्रेस का मोर्चा, घरेलू गैस कीमतों में वृद्धि के खिलाफ किया प्रदर्शन, पीएम के खिलाफ नारेबाजी। घरेलू गैस की कीमतों में आए उछाल एवं ईंधन दरों में बढ़ोतरी के चलते बढ़ रही महंगाई के खिलाफ आज चित्तौड़गढ़ में महिला कांग्रेस ने मोर्चा निकाला और मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करते हुए जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने यहां के कलेक्ट्री चौराहे पर चूल्हा जलाया, रोटियां पकाई और खाली गैस सिलेंडर को हार पहनाकर विरोध प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्षा नीतू कौर भाटी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दामों में हो रही बेतहाशा वृद्धि के चलते महंगाई बढ़ रही है। मोदी सरकार ने घरेलू गैस की कीमतें बढ़ाकर आर्थिक तंगी झेल रही जनता को और भी मारने का काम किया है। उन्होंने कीमतें रोल बैक करने की मांग की। लगातार पेट्रोल गैस और सिलेंडर के दामों का लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन बहुत पैसे लग रहे हैं। खिलाफ हमने आज ये प्रदर्शन किया है। जब यूपी की सरकार थी, जब इसके आधे दाम थे, आज डबल हो गए। मोदी सरकार जब सत्ता में आने के लिए लगातार बोल रही थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, तो अब क्या हुआ? अब हमारे हाथ भी जल गए हैं और हमारी रोटियां भी जल चुकी है। इसलिए हम मोदी सरकार से निवेदन करते हैं कि आप गैस सिलेंडर के दाम कम करें लगातार, क्योंकि ये कोरोना काल के चलते हुए वैसे भी आर्थिक मंदी चल रही है और उसके अलावा युवाओं को रोजगार नहीं है, वहीं महिलाओं की गैस अभी इसकी टंकी के दाम बढ़ते जा रहे हैं और ये महिलाओं के बजट पे इसका बहुत प्रभाव पड़ रहा है। जो हम मोदी जी से निवेदन करते हैं कि आप अपने गैस सिलेंडर के दाम कम करो, नहीं तो इससे भी उग्र रूप में हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।